प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। प्रदेश में 3 सीटों के लिए हो रहे मतदान प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरती गई है। चुनाव आयोग की ओर से विधायकों को अलग अलग पैन दिए गए हैं और साथ ही विधायकों ने ग्लव्स पहनकर अपना वोट किया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद कांग्रेस के युवा विधायक दानिश अब्रार और चेतन ढूडी ने कहा कि कांग्रेस को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। 125 विधायक कांग्रेस के समर्थन में है और इसी को लेकर कांग्रेस के युवा विधायकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर मतदान जारी है। अभी हम खड़े हैं विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के जो युवा विधायक हैं वो अभी मतदान करके बाहर आए हैं। आप देख सकते हैं इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरह से सावधानी बरती गई है। जो गाइडलाइन दी गई थी, इनके हाथों में जो MLA हैं दानिश अब्रार, उनके हाथों में ग्लव्स देख सकते हैं। दानिश जी, संक्रमण ना फैले इसके लिए भी सावधानी पूरी बरती गई है, ग्लव्स आपको दिए गए हैं, पहली बार अलग पहन जी। बिल्कुल, हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, देश से अग्रस्त है, तो हमारी सरकार की तरफ से हर तरह की वो सेफ्टी रखी गई है जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं दोनों उम्मीदवार? आश्वस्त कहना बहुत छोटा शब्द है, जीत थी, जीत है और जीत हो गई। आश्वस्त नहीं है, जीत हो गई है, सिर्फ आप परिणाम पाने के लिए देख लो। बाड़ेबंदी क्यों की गई? अगर इतना ही आश्वस्त थी, एक बहुत बड़ी, आप कह रहे हैं कि छोटा शब्द है, तो फिर बाड़ेबंदी क्यों गई? विधायकों को 10 दिन तक एक साथ रखा गया। आपने दो बातें कह दी, बाड़ाबंदी और 10 दिन साथ रखना, तो बाड़ाबंदी तो थी नहीं। आप खुद होटल के बाहर मौजूद थे, मैं खुद होटल के बाहर आया, आपसे मिला, कई बार मिला, हमें काम पड़ते थे, हम सेक्रेटरेट गए, घर गए, ये गए, तो बाड़ाबंदी नहीं थी। बाड़ाबंदी वो होती है जैसे यहाँ निकल सकते, ना जा सकते, ना मोबाइल, ना कुछ, वो बाड़ाबंदी थी ही नहीं, आप खुद इसके गवाह हैं। जहाँ तक वजी बात साथ रहे, तो मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर था। शायद हम सब आपस में विधायक कभी जीवन में एक साथ नहीं रह पाते, आज हम इतने दिन एक साथ रहे, एक दूसरे को समझा, जान पहचान हुई, कई चीज़ें सीखने को मिली सीनियर से, युवाओं को, युवाओं से, और युवाओं से भी कुछ चीज़ें सीनियर्स को सीखने को मिली, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और बाड़ाबंदी कहना गलत है। मतदान की ट्रेनिंग आपको वहाँ दी गई थी, मॉक पोल हुआ, आपको यहाँ कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आई किसी विधायक? बिल्कुल, मॉक पोल हुआ था, और एक बार नहीं दो बार हुआ, और जिसकी वजह से आज यहाँ पर 1% भी कोई दिक्कत नहीं, जैसा सिखाया गया था उसी प्रकार बड़ी स्मूथली आज सारी पोलिंग होगी। ये कहा जा रहा था लगातार कि प्रलोभन विधायकों को दिया जा रहा है, किसी तरह के कोई विधायक के पास ऐसे फोन आए या आपके पास आए या आपके पास सूचना है? जब कह रहे कि प्रलोभन दिए जा रहे थे और सुन रहे थे, तो जो चीज़ आपने सुनी है वो चीज़ मैंने भी सुनी है, मीडिया के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात कही है, तो जो आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं। और जहां तक मुझे, मेरे पास कोई प्रलोभन आया नहीं आया, तो मेरे पास तो कोई प्रलोभन आया नहीं, और शायद अगर आप मेरी इंटीग्रिटी और मेरे बैकग्राउंड में जाएंगे तो मैं समझता हूं मुझे कोई प्रलोभन देने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे साथ हैं विधायक चेतन ढूडी। ढूडी साहब, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर दोनों विधायकों? देखिए, जैसा अभी दानिश भाई ने बोला, जीत के लिए, जीत के प्रति हम लोग 100% आश्वस्त हैं। जीत, कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको अपनी तरफ से नमन करना चाहूँगा, श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे नेता राहुल जी ने आज संदेश भी दिया है कि हम लोग सब मिलके इस संकट की घड़ी में, जब देश पूरा का पूरा, आज चाहे कोरोना हो, चाहे चाइना से कुछ ऐसा विवाद चल रहा हो सीमा का, हम लोग मिलके उसमें एक साथ एकजुट खड़े हैं, और उसी प्रकार कांग्रेस एकजुट है, एक साथ है, 100% हम लोग आश्वस्त हैं। और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जो है भारी मतों से जीतेंगे। वोट किसको किया और किसको दिखा कर किया? देखिए, वोट जो है परिणाम नहीं आएगा, वोट एक सीक्रेट बैलेट है, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने कांग्रेस के जो दोनों हमारे प्रत्याशी है उन्हीं में से एक को वोट जाना है और उन्हीं में से एक को गया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे दोनों कैंडिडेट भारी मतों से जीतेंगे। राहुल जी का जन्मदिन है, क्या ये तोहफा राहुल गांधी को आज मिलेगा? देखिए, राहुल जी ने पहले ही मना कर दिया कि आज उनका जन्मदिन कहीं पे कोई केक नहीं काटा जाएगा, ये एक संयोग का दिन है कि आज उनका जन्मदिन भी है, वोटिंग भी हो रही है, लेकिन ये तो तय था कि भाई ये तोहफा तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान को मिलना ही था। हमारा संख्या बल ज़्यादा है और संख्या बल के आधार पर हम लोगों को दोनों सीटें कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जीतनी तय है, इसमें कोई। तो ये थे कांग्रेस के दोनों विधायक चेतन ढूडी और दानिश अब्रार, जिनका कहना है कि कांग्रेस की ओर से दोनों उम्मीदवारों की जीत तय है। जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।